चिकन चावल और चिकन बिरयानी आपने कई खाई होगी, लेकिन कैसा रहेगा कि चिकन चावल में चिकन बिरयानी का स्वाद आए और वो भी घर पर रखे मसालों में, और बनाना भी आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चिकन लिया है और पीस मीडियम साइज के काट लिए हैं। इसके बाद में गैस पर कढ़ाई रखकर एक चम्मच सरसों का तेल डालकर गर्म कर लूंगी। तेल गर्म होने के बाद में आधी चम्मच जीरा और एक प्याज काटकर मिला लूंगी और पकाऊंगी। जब प्याज पक जाएंगे तब अलग बर्तन में निकाल लूंगी। इसके बाद में उसी तेल में चिकन डालकर मिला लूंगी और 5 मिनट के लिए मीडियम गैस पर ऐसे ही पकाऊंगी। तलना नहीं है, पकाना है, इसलिए मीडियम गैस पर 5 मिनट के बाद में तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लहसुन की कलियां, एक छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च चीरा लगाकर और प्याज जो पहले भी तले हुए डालकर अच्छे से मिला लूंगी और 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। यहाँ भी गैस धीमी रखना, नहीं तो सब जल जाएगा। 5 मिनट के बाद में प्लेट हटाकर तोल लूंगी। इसके बाद में थोड़ी पिसी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, पिसी लाल मिर्च स्वाद अनुसार, यहाँ ध्यान रखना लाल मिर्च कम ही डालनी है। इसके बाद में थोड़ी पिसा धनिया और छोटी आधी चम्मच चिकन मसाला डालकर अच्छे से मिला लूंगी। इसके बाद में आधा गिलास पानी डालकर पकने के लिए ढक दूंगी और 10 मिनट तक पकाऊंगी। 10 मिनट में आराम से सारा पानी खत्म हो जाएगा और चिकन भी पक जाएगा। 10 मिनट के बाद में आप खुद देख सकते हैं पानी उड़ चुका है, मसाला भी पक चुका है और चिकन भी अच्छे से पक चुका है। इसके बाद में गैस बंद कर दूंगी और कढ़ाई उतार लूंगी। के बाद में 2 कटोरी चावल पानी में गला लूंगी। मैंने यहाँ पर चावल की किनकी ली है, आप चावल लेना। इसके बाद में भगोनी में 1 गिलास पानी डालकर 2 चम्मच देसी घी डालकर मिला लूंगी, उबाल लेंगे। अब जब पानी उबल जाएगा तब खड़े गरम मसाले डालकर चावल भी मिला लूंगी। इसके बाद में आधे से आधी चम्मच नमक भी मिला लूंगी और पकने के लिए ढक दूंगी। अब ये मत बोलना कि ये तो बिरयानी की रेसिपी है, तो बता दूँ बिरयानी में और भी चीज़ें डलती है और चावल भी खिले खिले रहते हैं। चावल पकने के बाद में चिकन में मिला लूंगी और गरम कर लूंगी। यकीन मानो स्वाद बिल्कुल बिरयानी जैसा आएगा और स्वाद बहुत ही बढ़िया है। और रेसिपी तो आपने देख ही ली है, हाँ बहुत ही आसान, तो एक बार जरूर ट्राई करना। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।